हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पंजाब की तरफ से रिलीज़ की गई है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। सो द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 13 जुलाई और ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। सैलरी थोड़ी कम है बट ओवरऑल ठीक ही है। सो 25 डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो एम्ब्लर, एक पोस्ट है, पे लेवल जो है एक। इनिशियल सैलरी आपको मिलेगी 18,000 की। क्वालिफिकेशन जो है मिडिल पास। सेकंड पोस्ट है हॉस्टल वार्डन ग्रेड टू। टोटल 3 पोस्ट है, लेवल 2। सैलरी है 19,900 स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन विथ होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको हॉस्टल में काम करने का। एंड ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए, सो फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें सेलेक्ट होंगी। थर्ड पोस्ट जो है स्टोर कीपर की, 6 पोस्ट है। पे लेवल जो है वो 2 होगा। 19,900 इनिशियल सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन इसमें है ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टोर्स इन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑब्लिक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 4th पोस्ट है इको टेक्नीशियन का, जिसमें 2 पोस्ट है। पे लेवल 5 रहेगा, 29,200 इनिशियल पे। एंड क्वालिफिकेशन इसमें 12th विथ डिप्लोमा इन इको कार्डियोलॉजी एंड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 5th पोस्ट है गैस प्लांट टेक्नीशियन, 4 पोस्ट है। पे लेवल जो है इसमें 4 है, 25,500 इनिशियल सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए 12th विथ साइंस, देन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल गैस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। 6th पोस्ट है ECG टेक्नीशियन, 6 पोस्ट है। देन इनिशियल जो पे जो होगा आपको 21,700, पे लेवल 3। इसमें क्वालिफिकेशन जो है 12th विथ बैचलर्स डिग्री हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन ECG फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो ECG का। 7th पोस्ट है नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी असिस्टेंट, पे लेवल 3 है। इनिशियल पे जो है 21,700 रहेगी। क्वालिफिकेशन में BSc मेडिकल एंड 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन अ मेडिकल कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट इन नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी इको टीएमटी हॉल्टर अंडर अ कार्डियोलॉजिस्ट। सो उसके बाद 8th पोस्ट है कार्डियक कैथ लैब टेक, 3 पोस्ट है। पे लेवल 5 की सैलरी रहेगी 29,200। BSc चाहिए आपको विथ 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, कैथ लैब का 5 साल का एक्सपीरियंस रहे और BSc कैथ लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर्स। यानी कि अगर आपके पास नॉर्मल BSc है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर BSc कैथ लैब का एक्सपीरियंस है तो 3 साल का होने से होगा। 9th पोस्ट है हिस्टो टेक्नीशियन, 2 पोस्ट है, पे लेवल 5 है। 12th चाहिए आपको विथ साइंस BSc MLT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन लैब टेक्नीशियन। 10th पोस्ट है ANM की, टोटल 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको 12th विथ डिप्लोमा इन ANM एंड दूसरा है MPHW क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक इंस्टीट्यूट और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। 11th पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट, 6 पोस्ट है। पे लेवल है 18,000, पे लेवल 1, मिडिल पास चाहिए। 12th पोस्ट है डीजल इंजन मैकेनिक, 1 पोस्ट है, पे लेवल, इनिशियल सैलरी जो है 25,500। 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम ITI और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। डीजल इंजन रिपेयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। देन 13th पोस्ट है कारपेंटर की, 2 पोस्ट है, पे लेवल 2 रहेगा 19,900 एंड इसमें भी आपको 12th के बाद ITI हो रेलिवेंट फील्ड में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन रेलिवेंट ट्रेड ऑफ ITI, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, इसमें 6 पोस्ट है,
पे लेवल 2 19,900 इनिशियल सैलरी, ग्रेजुएशन हो, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट हुज स्पोकन इंग्लिश इज गुड, 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए, देन टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है, 30 words per minute, यानी कि इसमें तो पंजाबी कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होंगे, बट अप्लाई है पूरे इंडिया के लोग कर सकते हैं। 15 post है ऑडियो विजुअल अटेंडेंट, 2 post है, पे लेवल 2 है, 19,900 सैलरी रहेगी, 12th विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड पब्लिक इंस्टीट्यूट, 1 साल का डिप्लोमा हो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 16 post है वेल्डर की, इनिशियल सैलरी है 19,900, 12th चाहिए आपको, देन सेकेंड क्वालिफिकेशन जो है शुड पोजेस एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट हो आपके पास वेल्डिंग ट्रेड का, एंड शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वेल्डिंग ऑफ स्टरलाइजर ओवन ब्लड प्रेशर एपरेटस एंड अदर जनरल मैकेनिकल, मैंने आपके पास ITI होना चाहिए वेल्डिंग में इस पोस्ट के लिए। देन सेकेंड 17th पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन, 2 post है, पे लेवल 3 होगा, 21,700 स्टार्टिंग सैलरी, 12th क्लास चाहिए आपको, देन उसके बाद BSc मेडिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 1 साल का डिप्लोमा हो डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्निक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड पब्लिक इंस्टीट्यूट पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ठीक है, डायलिसिस का आपके पास एक्सपीरियंस हो 2 साल का। 18th पोस्ट है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, 3 post हैं, पे लेवल 1 है, 18,000 मिडिल पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 19th post है स्टाफ नर्स, 250 post है, सो पे लेवल 5 है, इनिशियल सैलरी 29,200 होगा, देन 12th चाहिए आपको, उसके बाद BSc नर्सिंग ऑब्लिक 3 ईयर्स डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी GNM BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन विद पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल चंडीगढ़, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोजेसिंग BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन विल बी प्रेफर्ड, BSc नर्सिंग जॉब नर्सिंग चंडीगढ़, ओके, इसमें मगर आपका जो GNM या BSc नर्सिंग जो है वो पंजाब नर्सिंग काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड रहना चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है सो इसमें सेंट्रल इसमें मेंशन तो नहीं है बट सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी अप्रूव होना चाहिए इसमें बट लिखा नहीं है। 20th पोस्ट जो है फोटोग्राफर की जूनियर, पे लेवल 1 post है, पे लेवल 2 19,900, देन क्वालिफिकेशन जो है 12th, देन 2 ईयर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, देन 2 ईयर्स का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट बॉडी या किसी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या स्टूडियो में काम करने का। 21st post है टेक्निकल असिस्टेंट ब्लड बैंक, 1 post है, लेवल 5 का सैलरी है 29,200, 12th चाहिए विद BSc MLT, देन 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। 22 post है रिफ्रेक्शनिस्ट, 1 post है, पे लेवल 5, 29,200 सैलरी स्टार्टिंग रहेगी, देन 12th with BSc or 2 year diploma in refractionist from a recognized university oblique institute or 2 years का आपके पास relevant experience हो। 23 post है liftman, 2 post है, pay level 2, initial salary जो है 19,900 रहेगी, matriculation with 50% marks, then second जो है इसमें 2 years diploma in electrical from a recognized board oblique institute with minimum experience of 5 years as liftman in recognized institute। 24th post है biomedical technician, 2 post है, pay level 2, 50% marks of matriculation में, and 3 years diploma in electronics and communication from a recognized board oblique institute with minimum 5 year experience as a biomedical technician in a recognized institute। 25th पोस्ट है जूनियर इंजीनियर बायोमेडिकल इंजीनियर, पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 से स्टार्टिंग होगी सैलरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट,
विथ 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। सो ये सारे 25 पोस्ट हैं, किस पोस्ट में कितनी, किस किस कैटेगरी में वैकेंसी है, यहाँ पे लास्ट पीडीएफ फाइल में मेंशन्ड है। सो आई होप आपको ये वैकेंसी पसंद आई होगी, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये वैकेंसी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।